तो मैं हूँ रशीद अली साहब फौजी, आप देख रहे हैं डेली न्यूज चैनल। डेली न्यूज चैनल मौजूद है आज नगर पालिका कुकराया सुन्नी ईदगाह में। यहाँ पर बहुत ही खुशहाली के साथ ईदगाह में नमाज अदा की गई। जैसा कि लोगों ने देखा कि यहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा रहा और ये सुन्नी ईदगाह है। यहाँ पर जितने भी कुकराया के मुस्लिम समाज के सुन्नी समाज के लोग हैं वो सभी इस ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए आते हैं। इसी माहौल में बात कर लेते हैं, यहाँ के कुछ लोग हमारे पास खड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है बेटा? अब्दुल भाई साहब, ये बताइए किस माहौल में यहाँ पे नमाज अदा हुई? नमाज बड़ी खुशनुमा माहौल में अदा हुई, नगर का पूरा सहयोग रहा। पूरे सहयोग के साथ हमारे इमाम साहब आलिम मुर्शिद रज़ा खान ने नमाज अदा कराई। बड़े खुशनुमा माहौल में नमाज अदा हुई, बहुत ही अच्छा माहौल रहा। आपका मैदान क्या नाम है? हमारा नाम मंजूर हसन साहब। ये बताइए किस माहौल में नमाज अदा की गई, शासन प्रशासन का कैसा सहयोग रहा? नमाज बहुत खुशनुमा उसमें अदा हुई जी। और यहाँ शासन नगर पालिका प्रशासन और प्रशासन ने काफ़ी सहयोग किया। इमाम साहब से बात कर लेते हैं जिन्होंने यहाँ पर नमाज अदा करवाई है। इमाम साहब, अपने नाम के साथ जरा आप देश के मुल्क के लिए अपने क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने मुल्क के तमाम देशवासियों को ईद की पुरखुरुदी मुबारकबाद पेश करता हूँ जी। और उसके बाद में ये कि ईद असल में एक बड़ा खुशबूर और बहुत ही बेहतरीन, क्या कहते हैं, कह दीजिए कि बहुत मुकद्दस दिन है, मुबारक दिन है जी। ये दिन मुसलमानों में खासकर गरीबों, मस्किन, यतीमों और बेसहारा लोगों की मदद करने के एतबार से जाना और पहचाना जाता है जी। यहाँ के साथ प्रशासन ने भी काफ़ी ताउन किया और लोगों के अपने आपके इस चैनल के माध्यम से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमारे मुल्क में अमन अमान कायम रहे जी। और सभी लोग अमन अमान कायम रखने की कोशिश करें जी। इसलिए कि जानवर भी अपने में एक दूसरे, हम जिनसे मोहब्बत करते हैं एक दूसरे का सहयोग करते हैं और उसे मोहब्बत करते हैं, फिर हम और आप तो इंसान हैं। हम और आपको चाहिए कि आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ में रहें, किसी किस्म की बदअमनी और बदसुकूनी का शिकार ना हो जी। और ना किसी किस्म की कोई सी बात आपस में पैदा होने दें जिससे कि नफरत पैदा हो। हमारा यही पैगाम है कि हम सब मोहब्बत करने वाले लोग हैं और सूफी संतों से जुड़े हुए हैं जी। हमारा मुल्क सूफी संतों का देश है जी। समझ रहे हैं? और सूफी संतों का पैगाम क्या है कि हम सब एक हैं जी। समझ रहे हैं जी? हमें कोई अलग बिलग का नहीं है। हम सभी लोगों को चाहिए कि जो जिस धर्म में रहता है, जिस धर्म से मोहब्बत करता है, वो अपने धर्म का पालन करे, अपने धर्म के एतबार से जिंदगी गुजारे। सबको आज़ादी है संवैधानिक एतबार से भी और वैसे भी दुनियावी एतबार से भी। तो सभी आदमी को चाहिए कि अमन अमान को कायम रखें हर जगह। और ईद की वो मुकद्दस और बाबरकत दिन जो जिसे कि हम लोग आपस में मनाते हैं, तो ईद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सारे देशवासियों के लिए ईद का दिन है। और सभी लोगों को मैं अमन अमान का पैगाम देता हूँ कि सभी लोग अमन कायम। आखिरी सवाल है, नगर पालिका की तरफ से आपका पूरा सहयोग मिला? नगर पालिका की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सहयोग मिला। उन्होंने हर साल ताउन किया और यही नहीं बल्कि लॉकडाउन में हम लोग जब पांच लोग भी नमाज अदा करते रहे, तीन लोग अदा, जब भी उन लोगों ने पूरा ताउन किया और यहाँ की चौकी इंचार्ज और पुलिस चौकी से, थाने से, हर तरीके से नगर पालिका सब तरीके सहयोग रहा। हम उनके शुक्रगुजार हैं, हर साल वो मेहनत करते हैं, हमारे साथ शिरकत करते हैं, आते हैं और अपने प्यार मोहब्बत से नवाजते हैं। शुक्रिया आपको डेली न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए। नगर पालिका सुन्नी ईदगाह से डेली न्यूज़ चैनल के लिए कैमरामैन छोटू के साथ मैं रशीद अली साहब फौजी, जय हिंद।